पूर्ण कर्जा माफ़ी दे लई पंजाब सरकार ने केंद्र दे उत्ते टेक लगा दिती है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी वालों किसानों की कर्ज माफ़ी दे लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा गया, जिस दे उत्ते विरोधी धिरां ने सवाल चुक दिते ने। सुखबीर सिंह बादल ने वादा खिलाफी ते मुख्यमंत्री चन्नी नूं घेरिया ते कहा कि मुख्यमंत्री ने कबूल कर लिया कि कांग्रेस का किसानों का 90,000 करोड़ का पूरा कर्ज माफ करन दा कोई इरादा नहीं है। यह कांग्रेस लगातार दावा कर रही थी कि किसानों का पूरा कर्जा माफ कर दिता गया, पर इस पत्र ने कई तरह के दावे जो सवाल जो ने कांग्रेस के दावे ते ही खड़े कर दिते। उन्होंने अगे कहा कि केंद्र के सिर कर्जा माफी थोप के चन्नी छल ते धोखे नाल वादे तो भजन दियां तरकीबां ला रहे। पवित्र गुटका साहब की सहुं चुक के कर्जा माफी का वादा कांग्रेस ने किया सी, केंद्र ने नहीं। कांग्रेस पार्टी किया वादा पूरा करन दे लई पाबंद है। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी वालों प्रधानमंत्री मोदी नूं लिखिया यह पत्र उस धोखे का जिउंदा जागदा सबूत है जो 5 साल पहला सरकार बनाउण लई कांग्रेस पार्टी ने लोगों नाल कीता। ए मुख्यमंत्री चन्नी का वह कबूलनामा है जिस विच उन्होंने आप मन्या कि असी पंजाब के किसानों नाल कर्जा माफ़ी के नाम से झूठ बोलिया, वादा खिलाफी की, अजिहा वादा किया जो कदे पूरा हो ही नहीं सकता सी। ते हुण जदों अन्नदाता इस वादे नूं पूरा करवाउण लई पंजाब सरकार खिलाफ अंदोलन वेढ़ण की तैयारी कर रहा है, तो डरे सहमे चन्नी ने बड़ी चलाकी नाल गेंद केंद्र दे पाले विच सुट्टण दी कोशिश कीती है। मुख्यमंत्री चन्नी ने प्रधानमंत्री मोदी नूं पत्र लिखे किसानां दा पूरा कर्ज माफ करन दी मंग कीती है। चन्नी ने लिखे कि किसानां ते खेत मजदूरां दा पूरा कर्ज माफ कीता जावे अते असी इस विच बनदा सहयोग पाउण नूं तैयार आ। नहीं चन्नी साहब, नहीं, वादा तुसी कीता सी किसानां दे पूरा कर्ज माफ करन दा, आड़तियां दा, बैंकां दा, कोऑपरेट सोसाइटियां दा। पहला तां 4.5 साल तक तुसी किसानां नूं झूठा वादा करके हासिल कीती सत्ता दा आनंद माणिया, ते जदों हुण वारी जवाब देण दी आई तां तुसी सहयोग ते उतर आए। ए नहीं, हुण इह काम नहीं चलना, हिसाब तां देना ही पैणा चन्नी साहब। सवाल यह है, ये उन्हां ते डिपेंड करदा उन्हें कित्थों करना, किवें करना, किवें कर की प्रोसैस अडोप्ट करना, यह सरकार का काम है, साडा नहीं है। साडे नाल कमिटमेंट की है, साडी उस कमिटमेंट के उत्ते असीं लोगों ने वोटां पाईआं ने, इन्हां नूं सत्ता ते बिठाया, राज भोगण दा सुख दित्ता है, पर साडी उह जिहड़ी इन्हां ने कमिटमेंट उह पूरी करनी दी ड्यूटी बनदी इन्हां दी। साडा इस गल नाल कोई मतलब नहीं, पैसे कित्थों लैंदे ने, किवें करदे ने, लगदा नहीं पंजाब सरकार गल घमाउण दी कोशिश कर रही है कि गल हुण केंद्र दे पाले पा दित्ती जावे। नहीं, आए केंद्र दे पाले नहीं पैंदी गल, इह तां जिन्हां ने वादा कीता उन्हां दे पाले रहणी है, उन्हां दे नाल ही लोगों की लड़ाई होनी है। साडी उन्हां नूं फिर अपील है कि लड़ाई ना होवे चंगी गल है, नहीं तो मतलब अक्ष कितने ना कितने मतलब इन्हां दा खराब होएगा। चन्नी साहब की यह पैंतड़ाबाजी किसानों के नाल नाल विरोधी धिरां नूं भी रास नहीं आ रही। अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने चन्नी ते तिखा हमला किया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, मुख्यमंत्री चन्नी चाहते ने कि गैर कांग्रेसी केंद्र सरकार कांग्रेस वालों किए किसानों के कर्जा मुआफ़ी के वादे के 50% हिस्से नूं पूरा करे। 5 महीने की सरकार विच एक 25% मुख्यमंत्री खुले तौर पर मन रहे कि लोग उसते 50% ही भरोसा करन। उन्हां दी अगली मंग, केंद्र उन्हां वल्लों कीते 3 रुपए प्रति यूनिट बिजली दे वादे लई भी 1.5 रुपया प्रति यूनिट देवे। वैसे किसानां दे कर्ज मुआफ़ी का वादा किसने किया सी, केंद्र ने या कांग्रेस ने? कि कांग्रेस का मैनीफेस्टो भाजपा ने बैंकरोल किया है? सानू इन्हां दी अंदर खाते की हुई डील का पता है, पर इन्नी बेशर्मी, सब नूं पता है कि कांग्रेस झूठियां दी पार्टी है, अते ए गल कांग्रेस दे मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने हुण 50% खुद मन लई। वैसे खेती कानूनां ते केंद्र सरकार दे गोडे लगवाउण तों बाद हुण पंजाब दे किसान पंजाब सरकार तों कीते वादे दी पूर्ति दे हिसाब मंगण दी तैयारी कर रहे ने। शायद यही डर है, इसे लई एलानजीत सिंह चन्नी हुण एलान दी थां सहयोग दी गल ते उतर आए ने। रमनदीप शर्मा, PTC News, दिल्ली।